अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप सी एस 504 के असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि उनका उसका मेथड चेंज हो चुका है और बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हमने सबमिट करवानी है। सो बच्चों ने सोल्यूशन बना के रखा हुआ है, लेकिन सबमिट में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट सी वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अब आप लोग जो भी देखें प्लीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझें या कुछ भी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के अंदर शेयर करना, ताकि बच्चों की हेल्प हो सके असाइनमेंट सबमिट करवाने में, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बना के रखी हुई है, लेकिन सबमिट में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी होगी कि आप प्लीज़ वीडियो का जस्ट लिंक जो है वो अपने तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें, ताकि जो भी बच्चा देखे वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सके, ठीक है? और आपने क्या करना है, सबसे पहले LMS ओपन करने के बाद आप लोगों ने इस असाइनमेंट पोर्शन में जाना है, और जाने के बाद इसका मेथड थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यह इंटरफेस आप लोगों के सामने आता है। यहाँ से जो है कुछ वर्ड होती हैं वो तो हम पेस्ट करते हैं, लेकिन डायग्राम नहीं यहाँ पे आ रही। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इसको ओपन करने के बाद अपनी असाइनमेंट्स ओपन करनी है, वर्ड वाली फाइल, और यहाँ से सिनेरियो वगैरह या क्वेश्चन वगैरह जो आप लोगों ने राइट किया हुआ है जस्ट उसको पहले कॉपी करना है, डायग्राम को नहीं करना, उसको कंट्रोल सी करना है। और अगर आप लोग इसको राइट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो फिर आप यहाँ पर ला के इसको इतने को करेंगे, देन एंटर करें, और उसके बाद डायग्राम नहीं आएगी कंट्रोल V से। आपने क्या करना है, इसको इतने को कर लेना अगर करना हो, वरना डायग्राम ही ज़रूरी है, वो भी के लिए आप पेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग ये असाइनमेंट्स आएँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट्स को सबमिट डायग्राम ही होती हैं इसकी ज़्यादा। तो आप लोगों ने अब डायग्राम के लिए क्या करना है, ये ऊपर जो तीन ऑप्शन नज़र आ रही है ना, ये बॉक्स वाली जो नज़र आ रही है, बुक वाली ये वाली, तो यहाँ लास्ट पे क्लिक करेंगे तो वो देखे कह रहा है कि पेस्ट फ्रॉम वर्ड, यानी वर्ड से आप कुछ भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने इस पे अब क्लिक करना है, इस पे डायग्राम को लाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आप लोगों के सामने छोटा सा आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे बॉक्स ओपन होगा तो आप लोगों ने दोबारा अपनी असाइनमेंट्स में जाना है, और उसके बाद अब आप लोगों ने इसको डायग्राम को कंट्रोल सी करना है, ठीक है? कंट्रोल सी करने के बाद आप लोगों ने इस बॉक्स में ला के कंट्रोल V करना है। जैसे ही आप करेंगे तो वो देखें आप लोगों की डायग्राम इसमें पेस्ट हो जाएगी, फिर देन आप लोगों ने ओके करना है। ओके करेंगे तो आप लोगों की ये असाइनमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इधर आ जाएगी, ठीक है, इस इंटरफेस में। अगर आपने कुछ इसकी सेटिंग वगैरह करनी हो तो वो भी आप जो हैं कर सकते हैं, ठीक है? और जो हैं अब आप लोगों ने ये डायग्राम भी आ चुकी हैं सब कुछ, अब आपने ये सेव के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है? और ये आप लोग एक बार असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक वगैरह दोबारा करवाने चाहते हैं देन भी हम अपडेट इसको कर सकते हैं ड्यू डेट के अंदर अंदर। तो अब आप लोगों ने सेव के बटन पर क्लिक करना है, जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग की असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो, शॉर्ट सी, मैंने सोचा आप लोगों की हेल्प कर दूँ। और अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना है, ताकि बच्चों की भी थोड़ी बहुत ही हेल्प हो सके। सो अगर वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।